मजाक कर रहे ठीक है, वो एक्चुअली में काफी एक्साइटेड। देखो नीचे करना, स्टॉप करो नीचे। आज का दिन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, सो आई हैव प्रशांत हियर विद मी, ही इज ड्राइविंग क्योंकि मुझे आलस आ रहा है। एनीवेज मैं जा रही हूँ एक न्यू जापानीज रेस्टोरेंट में जो मेरे घर के ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट्स के डिस्टेंस में खुला है, एंड आई एम सो एक्साइटेड। आप लोगों को पता है कि मुझे एशियन फूड बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सुशी और इवन लाइक फॉर द फैक्ट दैट नूडल्स, मतलब इट्स नॉट अ सरप्राइज, सबको पता है मुझे नूडल्स वगैरह ये सब उटपटांग चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मेरे को इतनी भूख नहीं है, बट आई रियली वॉन्ट टू गो देयर, एक्सप्लोर एंड सी कि क्या मेन्यू है। आई माइट जस्ट एंड अप जस्ट हैव अ ड्रिंक, बट आई वॉन्ट टू सी द मेन्यू कि कभी जब बहुत तेज भूख होगी मैं एक दो दिन तक व्रत रखूंगी एंड यहाँ पे आके मैं ठूसूंगी। साथ ही साथ केशिका भी इज ऑल्सो वेटिंग देयर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट केशिका आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। मेरा केशिका, क्या है ये? मैं भी बना देगी कोशिश। कुछ पीऊंगी थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत वो आई क्यों ऐसे कैचअप करने के लिए, तुम सबके साथ कैचअप करने के लिए, गॉसिप्स करने के लिए। We have a traditional Korean sitting there. Yeah. And we have this modern thing. Mm-hmm. And there we have again Japanese traditional sitting, tatami style. Is there any space available there? Currently we have this one. We'll be clearing the table. We'll wait. ऐसे झटक गई, अरे बहुत embarrassing है यार ये। पता है मेरे को जब बड़ों के बीच में ना मैं घर में जाती, सपोज मैं किसी अगर किसी से प्रोफेशनली बात कर रही हूँ और ये जलना शुरू होता है तो मैं इतनी embarrassed हो जाती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, मैंने क्या ही सोच के इसको तुझे हटा दिया। काफी भीड़ है, यू नो लाइक वैसे जब कोरियन वाली जगह खुली थी देहरादून में तभी भी बहुत भीड़ थी, बट देन इट सॉर्ट ऑफ लाइक डेड नाउ, लाइक इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक अ देहरादून थिंग। जब कुछ नया खुलता ना एवरीवन इज लाइक देयर एंड देन बहुत भीड़ होगी, द हाइप इज क्रेजी एंड आफ्टर अ मंथ और सो इट्स डेड। सो बहुत कम जगह हैं जो एक्चुअली चल पा रही, जैसे आमा कैफे है, कालसांग है, ये जगह चल रही हैं, बट आई होप दैट दिस प्लेस ये चले। माचा लैटे इज हियर। केशिका कितना रेट करेगी इसको तू? उसके लिए बहुत मीठा है, टू स्वीट फॉर यू। नीचे करना, स्टॉप करो नीचे। पहले नहीं था इतना ज्यादा मीठा है ना वो, नहीं पहले मेजरमेंट ठीक से घुमाया नहीं था। अब तो क्या कहना चाहती है, द टेस्ट इज नॉट बैड बट इट्स जस्ट टू मीठा। नेक्स्ट डे आई वोक अप सुपर एनर्जाइज्ड एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आज का दिन इतना ज्यादा एक्साइटिंग है। ओके, मैंने अभी यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप लोगों से एक छोटा सा प्रैंक किया सेइंग दैट आई एम गेटिंग एंगेज्ड, बट आई एम नॉट। ये खुशखबरी मिलने में थोड़ा सा टाइम है अभी, बट शालिनी इज एंड बिकॉज शी इज गेटिंग एंगेज्ड वेरी वेरी सून, आई डिसाइडेड टू गिव हर अ क्यूट हेयर मेकओवर फॉर हर स्पेशल ओकेजन। वेल शालिनी और मैंने काफी देर तक यू नो ब्रेनस्टॉर्म किया कि हमें कौन सा शेड करना चाहिए एंड वी आर वेरी डाइसी बिटवीन टू शेड्स फ्रॉम गार्नियर कलर नेचुरल्स। वी डिसाइडेड टू गो फॉर द शेड 5.32। आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दैट, बट मोर ओवर आई रियली वांट टू सी हाउ इट टर्न्स आउट। हियर कैसा लग रहा है? घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। मेरे पे विश्वास नहीं है क्या तुम्हें? प्रगति तुम्हें क्या लगता है, मेरे पे विश्वास है तुम्हें? भर भर के विश्वास है। जैसे मैंने बताया शालिनी और मैं काफी कंफ्यूज थे कि हमें कौन सा हेयर कलर करना चाहिए, बट थैंक्स टू गार्नियर वर्चुअल ट्राई ऑन टूल व्हिच इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, हम आराम से सारे कलर्स ट्राई कर पाए अपने घर पे बैठे बैठे एंड इट वॉज सच एन ईजी प्रोसेस। ऑनेस्टली द बेस्ट पार्ट इज आप बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हो कि कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा एंड कौन सा कलर आपके कॉम्प्लेक्शन आपके फेस पर सूट करेगा। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ वी डिसाइडेड टू कलर हर हेयर यूजिंग द शेड
5.32. वेल, इस कलर बॉक्स में आपको मिलता है एक कलर एंड क्रीम एंड इसके साथ साथ आपको मिलता है डेवलपर. कलर एंड क्रीम को एंड डेवलपर को बहुत अच्छे से मिक्स करके नाउ इट वॉज टाइम फॉर अस टू कलर हर हेयर. ऑनेस्टली इट स्मेल्स रियली गुड. पहले तो मैं इसके बाल कॉम करूंगी, फुल सेक्शन ऑफ द हेयर. The best part about this kit is like it is super easy to use. Even if you are a beginner, you can use this very easily. And the color, once it is done, it lasts up to 10 weeks. And you only need 30 minutes for this process. Details, minute details. ये details बहुत matter करते हैं. शानी कुछ तो बोलो यार. सुन कर दिया. सुन कर दिया. ऐसा मजाक कर रहे, ठीक है? वो actually topics है. देखो दिस इज द बिफोर फुटेज ऑफ शालिनी'स हेयर एंड जैसे कि आप देख सकते हो इट्स रियली डार्क सॉर्ट ऑफ लाइक ब्लैक एंड आई वांटेड टू कैप्चर दिस फुटेज बिकॉज आई वांटेड टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन एंड वंस शी वॉश्ड ऑफ हर हेयर कलर. Oh my god, I loved how it looked on her. Uska pura face brighten ho gaya tha and it complemented her skin tone so well. She was really happy. I love the way how the color looks on her. It's not too loud but yet it gives that perfect subtle difference that she wanted for her special day. And let me know in the comments down below aapko kaisa laga because hum logon ko to bahut pasand aaya. It is a solid 10 on 10. It is the next day and I'm currently at Gitanjali because आज केशव पर मैंने decide किया है एक pamper detox session करने की ज़रूरत है. अलग level का मतलब stress चल रहा है हम दोनों के life में. She is my detox buddy. ये मेरे को मेरा आत्मा detox करती है. और ये मेरा पैरों को detox कराने में we are getting pedicure done. मैंने सुबह सुबह कॉल करके बहन आज तेरा सीन क्या है पेडिक्योर कराने चले. मेरे इतने दिनों से मन कर रहा था पता है करने का. फिर मुझे लगा तू बिजी होगी. संडे था तो आई सॉर्ट ऑफ थॉट कि यहाँ पे भीड़ होगी गीतांजलि में. गेटिंग हेयर स्पा. शी इज वेयरिंग न्यू बैलेंस. मैं तो बेचारी वेस्ट साइड ये इसने ये बैग खरीदा था थाईलैंड से. मैंने छोटा सा मिनी वर्जन लिया था. इसने ये बहुत सेक्सी बैग है. So I am getting head massage with very less oil because aapko pata hai that hair oil does not suit my hair. So I'm gonna get that, then halka sa steam and then gonna get hair wash and blow dry. Mujhe eyebrows bhi karwane hain apne. And Kishika is getting a hair spa, honey.